देखिए जी, हम ये सजा रही हैं और ये 14 अगस्त की तैयारी है। और बस थोड़े बलून शलून लगाए और ये थोड़ा ये है थोड़ा ये छोटा सा स्टार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अच्छा जी, आज का ये ताज़ा ब्लॉग है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है और 13 अगस्त है। तो जनाब, नाश्ते में था हलवा पूरी और बस इसे हमने जल्दी जल्दी फिनिश किया और लग गए अपने कामों में। काम ये नहीं था कि हस्बैंड की पिटाई हो रही है इसके बाद काम शुरू होना था। क्यों नहीं आए थे कल स्कूल? अम्मा मम्मा कहाँ से, मैं टीचर हूँ, क्यों नहीं आए थे कल स्कूल? मम्मा ही याद आती है। तो जनाब, हस्बैंड को भी मैंने स्कूल से नहीं, मैंने काम से छुट्टी करवा ली। मैंने कहा आज आपने नहीं जाना है और आज थोड़ा मेरे साथ आप काम करवा लें। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड और बच्चे हम खेल रहे थे, तो यहाँ पे एक स्केल रखा था जो कि मैं हस्बैंड को ऐसी हम लोग खेल रहे थे। और यहाँ पे देखें, मैं लगवा उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगा ली क्योंकि 14 अगस्त है कल, तो इसकी भी तैयारी है। और जो कि आज पाकिस्तानी चांद रात है तो उसके हवाले से हमने मेहंदी भी लगा ली। और बस इस तरह करके मैंने सिंपल सी मेहंदी लगाई है। और ये देखें, इसका भी शॉर्ट क्लिप आज मैंने अपलोड किया है, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। और ये देखें, यहाँ पे फिर मैंने नेल पेंट लगाया इस तरह करके, मैंने ग्लिटर वगैरह लगाया। तो हस्बैंड कह रहे हैं आपने इतना सारा काम करवाना है मुझसे या खुद भी कुछ करना है, आप तो जो है ना नेल पेंट वगैरह लगा के बैठ गई हैं। मैंने कहा मैंने सिर्फ शॉर्ट के लिए बनाई है, शॉर्ट क्लिप मुझे बनाना था, बाकी जाहिर सी बात है काम तो मैंने करवाना है। और 14 अगस्त की खुशी में पूरा घर हमने कर दिया था क्लीन, एकदम चकाचक कर दिया था हमने अपने घर को। और मुझे कालीन धुलवानी थी तो हस्बैंड कह रहे थे कि इसे ड्राई क्लीन को दे देते हैं, लेकिन मैंने कहा कालीन इतना गंदा नहीं हो रहा, बिला वजह में एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप ड्राई क्लीन वाले को देंगे वो आप मुझे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें कितनी ज़बरदस्त सा ये आइडिया है। तो कल 14 अगस्त है तो आप लोग भी इस तरह मेहंदी लगा सकते हैं और ग्लिटर वगैरह लगा के अपने हाथों को 14 अगस्त के हवाले से सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी और मैंने सारे घर के जितने भी रग्स वगैरह थे सब मैंने मंगवा लिए थे कि भाई इन्हें आज वॉश कर देते हैं। और हम आ चुके हैं छत पे और यहाँ पे वेदर माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रहा था। यार हदनी हो गई है जी, हवाएं हैं यहाँ पे, छत पे कालीन धोने और मेरे मियाँ जी को ये सजा लग रही है और ये बैठ के देखना मौसम को कर एंजॉय और अच्छा जी। तो बस यहाँ पे कालीन में तो बस बैठी हुई हस्बैंड से गपशप लड़ा रही थी और हस्बैंड काम कर रहे थे और हस्बैंड गाना भी गा रहे थे कि इन पे जुल्म हो रहा है। तो खैर वो सब मैंने म्यूट कर दिया। और पहले हमने टंकी की छत पे हमने कालीन डाली, लेकिन कालीन बड़ी थी और टंकी छोटी पड़ गई, तो फिर हमने छत पे बिछा के और बस इसको हल्का से ही वॉश करना था, ज़्यादा गंदी नहीं थी क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में वॉश करवा लेती हूँ। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आज आपने बहुत काम किया, आज आप थक गई हैं, जबकि सारा काम हस्बैंड ने किया था जनाब। वो तंजिया मुझे कह रहे थे और काफ़ी सारे मेरे काम रुके हुए थे, जैसे कि कैबिनेट का एक लॉक निकल गया था तो ये हस्बैंड अब धोबी से बन चुके हैं कारपेंटर। और वो यही मुझे कह रहे थे कि आपने मुझे क्या क्या बना दिया। तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे काम तो ये हस्बैंड ही जो कर सकते हैं तो हम उनसे करवा लेते हैं, जाहिर सी बात है अब ये काम तो हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भई आप हट जाएं, आप कालीन ना धोएं अगर आपको इतने ही मुझे ताने देने हैं। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। तो हमने कहा चलें ठीक है। और अब ये ताने पता नहीं कितने दिन तक मुझे मिलते रहेंगे। तो जो वाइफ्स हैं तो प्लीज़ जो देख रही हैं
तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के हस्बैंड भी इस तरह करते हैं, ताने शाने मारते हैं काम करने के बाद। और ये देखिए यहाँ पे मेरा कैबिनेट भी ठीक हो चुका है। और अब आप लोगों के साथ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, ये इतने सारे जो कायदे आज़म हैं जो इतने गुस्से से हमें देख रहे हैं, तो जनाब ये गुड न्यूज़ ये है कि मैं जा रही थी फर्नीचर लेने, और न्यू फर्नीचर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये देखें यहाँ पे हमारा UPS भी सेट हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह UPS भी हमारा सेट हो गया। ये शाम का टाइम है, तो शाम में ये मज़ेदार सी खूबसूरत सी चाय, और साथ आज हम खा रहे हैं कैफ़े बिस्किट। तो जिन जिन लोगों ने नहीं खाया तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ये बड़े पसंद हैं। जब इसमें स्पेशली जो चीनी के आते हैं ना ज़रात, वो बहुत अच्छे लगते हैं। बस फिर चाय वगैरह से फारिग होके हस्बैंड चले गए थे, और बच्चों ने कहा कि मम्मा घर डेकोरेट करते हैं, तो यहाँ पे हम 14 अगस्त के लिए घर डेकोरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल 14 अगस्त होगी, तो फिर उसके हवाले से हमने आज अपने घर को किया है डेकोरेट, बस हल्का फुल्का सा। और यहाँ पे देखें सारे बच्चे भी खुशी खुशी माशाल्लाह काम करवा रहे हैं, और बल्कि ये खुद ही सजा रहे थे, और कुछ बलून्स थे तो साथ साथ खेला भी जा रहा था और डेकोरेट भी किया जा रहा था। ये देखें माशाल्लाह अनमता, और ये काफ़ी एक्साइटेड थे सब बच्चे। जो पंप है नहीं मिल रहा था बलून फुलाने का, लेकिन ये बच्चे बस अपने मुंह से लगे हुए थे, सारे बलून्स इन लोगों ने फुलाए। तो मुझे तो देख के ही मेरे जबड़ों में दर्द होने लगा कि पता नहीं कैसे ये कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे, अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे आबाद रखे। और ये देखें अनाविया मॉडलिंग कर रही है, अनाविया मॉडलिंग कर रही है, और बस कोशिश ये थी कि जल्दी से ही काम हो जाए। अच्छा, यहाँ से ही देखें हमारे यहाँ पार्क का व्यू नज़र आता है, जो कि नहायत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मैं आई थी तो मैंने कहा चले इसकी भी वीडियो शेयर करते हैं। और ये देखें ये कंप्लीट हो चुकी है डेकोरेशन, जो कि बच्चों ने की है, और मतलब जो मेरी हेल्प थी वो मैंने की। और जब इन्होंने लाइट ऑफ की तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामने से ट्रक आ रहा हो। बहरहाल जो इन्होंने सजाया, जैसा सजाया माशाल्लाह बहुत अच्छा सजाया। इंशाल्लाह कल की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने किस तरह अपनी 14 अगस्त सेलिब्रेट की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जो न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो ओल्ड हैं आपका दिल से बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।